राम राम जी सारे ने। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया ब्लॉग, नई बात। ये ब्लॉग रहेगा दीपक भारद्वाज यानी मेरी बात का। आपने पिछले दो ब्लॉग देखे, आवाज़ नहीं सुनी होगी, लेकिन इसमें मैं आवाज़ के साथ आपके सामने कमेंट्री पेश करता रहूँगा। तो आपको सीधे ले चलते हैं ब्लॉग पे। तो भाई सबसे पहले आपने केक या कोट पेंट पहन के सारी माताओं के साथ आशीर्वाद लिया और फिर एक ग्रुप फोटो के साथ माताओं से विदाई लेने के लिए प्रात में चल पड़ते हैं। गर्मी बहुत थी भाई, ड्रोन का पंखा चल रहा था, थोड़ा रिलैक्स महसूस किया। फिर इसके बाद आप थोड़े धीरे धीरे गाड़ी की तरफ चले। कैमरामैन बोल रहे थे कि भाई थोड़ा धीरे चलो, इब्बे धीरे चलने की कह रहे। तो फिर आप पता नहीं भाई क्या हल करेंगे ये, हमारे को तो पहले डर हो रहा है। तो भाई टायर पर पानी घेर दिया है, मतलब हरी झंडी दिखाई दी है। जिस त्रिया रेल तो हरी झंडी दिखाई जाती है, अपना टायर पर पानी गिरा जाता है, इसका मतलब है चल पड़ो बे साथियों। बैठने का टाइम आ गया, तो गाड़ी चल पड़ी है भाई। कुछ गाड़ी पहले लकड़ी दी थी, कुछ गाड़ी पाछे है। तो देखते हैं वह साथियों सफर कैसा रहेगा, आप भी साथ बने रहना, मैं आपको पूरा ब्यौरा देता रहूंगा। देखो भाई जो बंदा गया बोनी का बगैर नहीं बरात में था, फिर मैंने सोचा क्या ने दिल दुखाया किसो का, तो चालन दे भाई जब इतने आदमी जान लाग रहे हैं तो यू के दिक्कत देगा भाई। फिर एक आध के फोन बाजन लग गया कि भाई माल घेर दे गाड़ी में, मतलब सीधा मना कर दिया भाई बरात में कोई अलाउड नहीं है माल मूल भाई। यो मान दो यो लाना बैठ दे, माल नहीं देते भाई, कैल बतेरी पी ली थी तो भाई इस करके आपने माल पर पूरी पाबंदी लाई थी। तो भाई डेढ़ दो घंटे इस सफर के बाद आप पहुंच गए अगले आगे जानदे। सगाई का प्रोग्राम था, सगाई होने लग गई भाई। पंडित जी थोड़े बूढ़े थे, तो भाई मैंने कहा पंडित जी थोड़ा स्पीड करके रही और मंदा काम चल रहा था, तो कोई बात नहीं भाई। टाइम गर्मी का था लेकिन मौसम ठंडा था, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई फोटो फाटो हुए दादाजी के साथ है। फिर भाई मैंने ड्रेस बदल के सीधा रथ की तरफ प्रस्थान करना स्टार्ट किया। जो घर पर राजे महाराजा चाले आ रहे थे युद्ध की तैयारी के लिए, आप अब युद्ध लड़ने के लिए तैयार थे। तो भाई स्लो मोशन में कैमरा वाला ने नुका पांव धरी शरत पे। तो भाई हड़के हड़के कदमों से मैंने पांव धरिया और फिर माँ इतना स्लो मोशन तो चला नहीं गया, तो स्पीड बढ़ा दी स्टार्ट करी वह स्पीड बढ़ाओ वह इसकी। तो वह स्पीड बढ़ा दी गई, तो पूरी स्पीड में रथ पर बैठ गया। फिर चालू हो गया अपना जो सिस्टम, भाई एक दुख की बात यह थी एक भी टोपा दारू का न वितरण करने के बावजूद भी लगभग सारे फल थे, सारे इंजॉय कर रहे थे। इंजॉय तो करो लेकिन फल होने की भाई थोड़ी टेंशन बढ़ जाती है। लेकिन इस दुख की घड़ी के बावजूद भी एक सुख की बात यह थी, चलो बस सारे सेंस में थे और भाई अपने पीछे बच गए दारू पे। तीन चार पेटियां इतना लगभग बचे हैं, नाच रहे थे कूद रहे थे खेल रहे थे गा रहे थे। कोई घोड़ी आगे लौटता था, कोई बादशाह ढोल खोज के बदान ला गया, कोई दारू लगा रहा कोई नाच रहा भाई, लेट होने लाग रहे थे करके बोले थोड़े थोड़े सरकना जो फिर भाई सरकने नहीं दे रहे थे। कोई रथ पे बैठ गया, कोई तना रहा था, कोई बह रहा था, कोई जा रहा था। तो मैं ये अपना भाणजार भतीजा भतीजा पैसे पका रहा, फिर कड़त रहा किसने दिए हैं इस तक थोड़े ले रहा था। फिर घर के बोले बतेरी आने के स्वाद रिंदन तड़प पड़ दे भाई, लेट होने लाग रहे हैं। तो वहां पर पहुंचने के बाद रथ पे सारी पहले अपना स्वागत में खड़ी थी। तो अब भाई दोनों सेनाएं आमने सामने थी, कदे उनके वार्तालाप कदे मारी वार्तालाप, कदे बोले रिबन कटाई दो कदे बार उगाई दो। तो सारे शगुन करने के बाद पीछे कोई हिसाब किताब नहीं आने दिया, अगर क्या बोले बाद में करांगे हिसाब किताब, साढ़े हजार में पका के अंदर चल पड़ते हैं हम। अंदर का नजारा भी देखने लायक था साथियों भाई, कोई खा रहा था, कोई गा रहा था, कोई नाच रहा था, भूडी दरिया लोग जुटे पड़े थे, कोई शर्म नहीं कर रहा था, क्यों थक रहे भूखे मरे इतनी दूर तो आए हुए। इसके बाद स्टार्ट होता है स्टेज का प्रोग्राम, बस स्टेज पर धीरे धीरे कदमों के साथ आना होता है। तो भाई साथियों कैमरामैनों ने बिल्कुल पागल बना दिया था, झंड बना दिया, दिमाग क्या करे मजबूरी है भाई, पैसे लग रहे हैं तो उन्होंने सोचेगा था फोटो ठीक ढाल का आ जाए। जाना ना दूर कभी होना जुदा, करूं दुआ करूं दुआ,
बढ़िया था भाई, फिर भी लेकिन फोटो वाला ने नहीं दिमाग खराब करना छोड़ मारा भाई, न्यू लागे रहे कदे न्यू करो कदे न्यू करो, इतनी आड़ में मेरे ससुरड़ी आए पूरा छोड़ ट्रेन गए भाई, फिर टाइम हो रहा फिर भी नहीं मान रहे फोटोग्राफर था, दो चार सुना यार, फिर बोले तरह फेरिया की तरफ, फिर बोले फेरिया तो पहले एक बार खाना ले लो, खाना पर सारी डाल जूटी के लुगाई तो खासकर जमा तोड़ के बगा दिया खाना भाई, जमा जूटी पीड़ी थी भूडी डाल तसल्ली थे, मैं थोड़ा बन रहा था तो भाई इस करके स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था वेटरों की तरफ तय, लेकिन वो लुगाइया ना जमा वेटरा का सांस चढ़ा दिए भाई, कदे फलानी चीज लिया आइसक्रीम लिया दगड़ा लिया फ्रूट चाट लिया सब्जी लिया चोड़ लिया दगड़ा लिया सारा सौदा छेद के गेर दिया, और फिर भी एक आधी तो आखिर मैंने कह रही थी आए रास्ते में तो मिर्च गिनी थी, फलाने सौदे में तो लून कम था, बक्के कैसे कहा फिर लोग साथियों फेरिया की तैयारी होगी है, पंडित जी ने कहा भाई कन्या को बुलाइए क्योंकि बनड़ा तो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद था, तो भाई पंडित जी थोड़े माठे थे पहले अभी देख लिया था, सगाई का प्रोग्राम भी लेट कर लिया था, मैंने कहा पंडित जी थोड़ी तोड़ करियो बेच सकता है 1500 रुपये फालतू ले लिए, पर पंडित जी बोले पैसों वाली बात नहीं है जो विधि विधान है उसमें तो टाइम लगेगा, फिर पंडित जी ने वचन भरवाने शुरुआत करे, वचन कई हिस्से दे दिए तो नाटन ने जी कर फिर लेकिन नाट नहीं सके क्योंकि घर के छत पर खड़े थे, फिर हमने भी सोची भाई देखी जाएगी जो बनेगी बन जाएगी भाई, जो वतन लिए हैं उनको निभाने की पूरी कोशिश करी जाएगी, जब जब सिर पर मोगरा बाद गया तो एक आधी वो हो सके वतन टूट सके है, लेकिन पूरी जी जान से कोशिश करेंगे वतन ना टूटे, तो वह 2-2.5 घंटे के प्रोसीजर के बाद या फेरियाड़ी प्रक्रिया है जो पूरी हुई, उसके बाद भाई विदाई समारोह चालिया, फिर भाई आखिर में थापे थूपे लाए गए, उनकी वीडियो जब आएगी तो मैं घेर दूंगा मैं आपके श्यामी, तो भाई एट द लास्ट मोमेंट पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हमारे वो लोग इस चैनल पर कंटिन्यू आते रहेंगे, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ये हमारी एंडी छोरे टीम का व्लॉग चैनल है, इस पर हम डेली बेसिस पे व्लॉग डालना स्टार्ट करेंगे, धन्यवाद करते हैं, आप अपना प्यार ऐसे ही एंडी छोरे टीम के साथ बनाए रखें, जय हिंद जय भारत।